नमस्ते आंटी जी, क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम नूरो है। क्या नाम है? नूरो। मैं बड़े दूर से नोटिस कर रहा हूँ, ये आपका पैर भी जला हुआ है आंटी जी, ये वाला पैर भी जला हुआ है, हाथ भी जला हुआ है, ये कैसे आंटी जी? जो तो पतीली पका रही थी। क्या पका रहे थे? दाल बना रही थी, दाल। अच्छा, तो वो पतीली लुढ़क गई ईंटों पे। नहीं, वो जो दाल बना रहे थे आप, वो के पूरी की पूरी आपके पैर पे आ गई। हाँ, ईंटों पे गिर गई, गिर गई। तो ये तो बहुत दर्द हो रहा होगा आंटी जी आपको। नहीं, गोले का तेल लगा दिए तो कम हो गया। क्या लगा दिया इसके ऊपर आपने? गोले का तेल। अच्छा, आराम मिला? हाँ। क्या उम्र कितनी है आंटी आपकी? उम्र कितनी है? उम्र की पता नहीं, बेटे पढ़े लिखे नहीं, फिर भी कुछ अंदाजा? 55-60 साल के हो आप। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे तो जवान जवान हैं बच्चे तो। एक लड़का मर गया, वो मर गई, दो पोते थे वो हुए तो वो मर गए, खत्म हो गए बेटा। अच्छा अच्छा, तो बेटी खत्म हो गई। तो आंटी यहाँ पर आप मतलब यहाँ काफ़ी देर से नोटिस कर रहे हो, बैठे हुए हो, मतलब पैसे वैसे मांग के गुजारा चला रहे हो? हाँ बेटा, कुछ नहीं पता। तो बेटे बेटों ने कभी आपकी मदद नहीं करी इस तरीके से? बहुत ज़्यादा ये तो जला हुआ आपका पैर। बेटा पागल है। अच्छा, सिर्फ ये पागल है। अच्छा, पागल लड़का है, उसके कह मैं दिमाग से बेकार है, उसके हवा का चक्कर है। अच्छा, हवा का चक्कर है। तो बाकी परिवार में और भी तो आंटी बंदे होंगे जिन्होंने मतलब इतना वो भाभी है। अच्छा, जो गोले का तेल लगाती है। हाँ बेटा। तो आंटी मेरे से देखा नहीं जा रहा, एक काम करो, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ आपकी, मैं हॉस्पिटल लेके जाके एक और पट्टी वट्टी करवा दूँ आंटी इसके ऊपर। नहीं मेरा बेटा। क्यों आंटी? ठीक हो जाएगा ऐसे। कमाल है आंटी, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मेरे से देखा नहीं जा रहा आप कैसे। तेल लगाती हूँ और रतन जोत। अच्छा, रतन जोत होती है ना, पीस के कपड़े से छान के वो 2-3 ही दिन में सही करते हैं। नहीं सही तो कर देता आंटी, मेरे से नहीं देखा जा रहा ना आंटी ये सब। कोई नहीं बेटा, क्योंकि सही हो जाएगा। दिखाना आंटी कितना ज़्यादा लगी हुई है। सही है बेटा। आंटी खुला रहेगा तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना? नहीं, हवा लगती है, ठीक हो जाएगा। तो जिस टाइम आपके ऊपर ये गिरा तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दर्द हो बेटा, उतने टाइम तो बस दम नहीं निकले, सब गर्म हो गया बेटा। कितना टाइम हो गया आंटी इसको लगे हुए? 1-2 दिन ही हुआ है। 2 दिन पहले चला है ये? हाँ। वो तुम कम्बल नीचे के आए थे भाभी को। अच्छा, आप वहीं रहते हैं क्या आप? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं जानते मेरे को आप? हाँ, वो भाभी है मेरी। अच्छा, भाभी है आपकी? हाँ। वो समझ गया। अच्छा अच्छा, तो आंटी मेरे एक बार मेरे साथ आप हॉस्पिटल चल लो, जो भी इलाज होगा मैं करवा देता हूँ। नहीं नहीं, भगवान आपने दुआ दे दी आंटी, वो ठीक है, मेरी भी तो बात मानो, मेरे को भी तो अपना बेटा मानो आप। बेटा मैं नहीं करवा रही पट्टी, सही हो गया। कितना आंटी कितना ऐसे ले पैसे लेकर कितना मतलब रोज का कर लेते हो आप, कितना कमा लेते हो? ऐसे ये बेटा कभी 200 मिल जाए, कभी 150 मिल जाए, ऐसे मिलते। खाना वाना खा लिया आपने? हाँ बेटा खा लिया। तो तेल जो लगाते हो आप, वो अभी घर में पड़ा हुआ है, खत्म हो गया ना? पड़ा हुआ है। भगवान तेरे उद्दा बड़ा है बेटा, भगवान अच्छे रखे तुम्हें। तो अब मैंने तो जो कंबल दिया था वो यहाँ से तो बहुत दूर है, तो वहाँ से पैदल चल के आए हो आप। हाँ। हिम्मत है आंटी जी आपकी। हाँ। इतनी चोट लगने के बाद भी मतलब पेट पालना है, बच्चे पालने हैं आपने। क्या करना बेटा, एक पागल लड़का है, उसे खिलाएंगे नहीं तो बेटा बर्तन फेंक देगा, सामान फेंक देगा नाले में सारा। अच्छा, खिलाएंगे तो बेटा। तो कितने घंटे के लिए आंटी यहाँ पर आते हो इस जगह पर आप, और कितने घंटे बाद आते हो? अब आई हूँ, अब थोड़ी देर लाई मांगूंगी फिर चली जाऊँगी। 200-250 रुपये जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे आप चले जाओगे। हाँ। अभी भी आए थे आप आधा एक घंटा पहले। हाँ, देर हो गई बेटा, अब जाने वाली। एक बार आंटी मैं मेरे दिल को ना, मेरा दिल बड़ा छोटा है और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, एक बार आप हॉस्पिटल चल लो मेरे साथ आप। मेरे से देखा नहीं जा रहा आंटी जी, पक्का? क्योंकि मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ, मैं देखूंगा आपको, दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे को तुरंत बोल देना।
बेटा। पक्का ना? हाँ। तो अभी मैं आपकी कुछ पैसे की मदद कर रहा हूँ आंटी। हाँ। उसको एक तो आपने अपना घर बच्चों को भी खिलाना है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना आंटी जी? तो अपना अभी मैं आंटी आपकी ये मदद कर रहा हूँ 500 रुपए की। एक तो कभी तेल की जरूरत पड़ जाए आपको, तेल ले आना अपने लिए आप, और मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ, मैं डेली देखता जाऊँगा आपको। जब भी आपको लगे ना दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल चल लेना आंटी, मना मत करना, जिद मत करना आंटी आप। मेरे बेटे पक्का प्रॉमिस है ना? उम्र तुझे लग जाए और तेरा हुद्दा बढ़ जाए। नहीं नहीं, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, ये पैसे दिए मेरे लिए बहुत कम है, कामयाब आपको जब भी जरूरत पड़े, जब भी निकलूं मेरे को हक से बोल देना आप, और जब भी दर्द लगे ना आपको, मैं डेली यहाँ से 11:30 बजे निकलता हूँ, आप यही मिलोगे ना मेरे को? हाँ, मैं आती हूं। जब भी लगे ना कि आपको दर्द दब भी होगा हॉस्पिटल के लिए बोल देना। पक्का ना आंटी जी? पक्का बेटा, पक्का जी। चलो आशीर्वाद दो आंटी जी। जी तेरा मेरे बेटे, भगवान इससे ज्यादा हुद्दा बढ़ाए तेरा बेटा। चलो आंटी जी, धन्यवाद आंटी, ओके।